उन कीवर्ड्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन करे होंगे। चलिए आज हम इसकी हैरी टू फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सो वन का नाम द रिच लॉर्ड वेंटेड द कार्विंग ऑफ ए डैश। स्पेलिंग्स पढ़ते हैं टी एच ई द आर आई सी एच रिच एल ओ आर डी लॉर्ड W A N T E D wanted P H E D C A R V I N G carving O F of A dash yani the rich lord wanted the carving of A dash yani jo rich lord tha jo amir swami tha use किस कार्विंग की इच्छा थी। वांटेड यानी होता है इच्छा होना, तो उसे किस कार्विंग की इच्छा थी, माउस की। सो हमने डैश में लिखा है माउस एम ओ यू एस ई माउस। चलिए सेकंड वाला द डैश कार्वर प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुली कार्ड माउस। स्पेलिंग पढ़ते हैं P H E D dash C A R V E R carver P R E S E N T E D presented A B E A U T I F U double R Y beautifully C A R V E D carved M O U S E mouse The dash carver presented a beautifully curved mouse. यानी इस कार्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से माउस की जो कर्व करी थी वो किस कार्वर ने प्रेजेंटेड करी, यानी किस कार्वर ने उपस्थित करी थी लॉर्ड के सामने। सो आंसर है स्किल्ड, यानी जो स्किल्ड कार्वर था उसने स्वामी के सामने लॉर्ड रिच के सामने बहुत ही सुंदर माउस की कर्व प्रेजेंटेड की थी। तो डैश में लिखा है स्किल्ड एस के आई डबल आर ई डी स्किल्ड। थर्ड वाला द कैट पाउंस्ड ऑन द डैश माउस पी एच ई द सी ए टी कैट पी ओ यू एन सी ई डी पाउंस्ड ओ एन ऑन पी एच ई द डैश एम ओ यू एस ई माउस द कैट पाउंस ऑन द डैश माउस। यानी जो कैट थी उसने कौन सी माउस पर पाउंस करा था, यानी जंप लगाई थी, छलांग लगाई थी, तो कौन सी माउस पे लगाई थी, बैडली कर्व माउस पर। हमने स्टोरी में समझा था ना, सो इसका आंसर क्या है, बैडली कर्व बी ए डी एल वाई बैडली सी ए आर वी ई डी कर्व द कैट पाउंस ऑन द बैडली कर्व माउस। ठीक है चलिए फिर हमारा देखते हैं द अनस्किलफुल कार्वर मेड द माउस आउट ऑफ ड्राइड डैश पी एच ई का यू एन एस के आई एल एफ यू एल अनस्किलफुल सी ए आर बी ई आर कार्वर एम ए डी ई मेड पी एच ई द एम ओ यू एस ई माउस ओ यू टी आउट O F of D R I E D dried dash the unskillful carver made the mouse out of dried dash यानी जो unskillful carver था उसने mouse किस चीज से बनाया था, dried fish यानी सूखी हुई मछली से उसने बनाया था। डैश में लिखा है मैंने एफ आई एस एच फिश। चलिए फिफ्थ वाला इन द एंड
द लॉर्ड गेव डैश बैग्स ऑफ गोल्ड वन टू ईच कार्गर आई एन ए टी एच ई द ई एन डी एन टी एच ई द एल ओ आर डी लॉर्ड जी ए वी ई गेव डैश बी ए जी एस बैग्स ओ एफ ऑफ जी ओ एल डी गोल्ड ओ एन ई वन पी ओ टू ई ए सी एच ईच सी ए आर बी ई आर कार्वर इन द एंड द लॉर्ड गेव डैश बैग्स ऑफ गोल्ड वन टू ईच कार्वर यानी एंड में आखिर में लॉर्ड ने गोल्ड के बैग दिए थे प्रत्येक कार्वर को ईच कार्वर को कितने बैग दिए थे ईच कार्वर को टू बैग्स सो डैश में अपन ने लिखा है टी डब्ल्यू ओ टू सो आई होप ये फिल द ब्लैंक्स आपको समझ में आए होंगे आपको फर्स्ट हेडिंग न्यू वर्ड्स करवाई थी उस हेडिंग के बाद आप सभी को सेकेंड हेडिंग डाल के फिल द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है एक एक लाइन छोड़कर नीट एंड क्लीन राइटिंग में ठीक है समझ में आया सभी स्टूडेंट्सों को जैसे फर्स्ट लिखा पूरा कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़कर सेकंड वाला फिर एक लाइन छोड़कर थर्ड वाला इसी तरीके से कंप्लीट होने के बाद एक एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट वाला लिखते जाना है सो आप ये पांच फिल द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा ठीक थैंक यू